मेजर DIY रीजन है ये, या ये जो स्पॉट आपको दिखाई दे रहा है, मुझे ये स्पॉट को हाइड करना है, इसीलिए मैं ऐसा कुछ बनाने वाली हूँ जो मैं यहाँ लगाऊँ तो वो अच्छा भी लगे और ये हाइड भी हो जाए। तो वो क्यों, कैसे और कब होगा वो आप मेरे साथ देखिए, पूरा वीडियो आप खुद जान जाएंगे। एक्चुअली ये वॉल जो है, ये मेरा ये सिटिंग दिख रहा है आपको, यहाँ पर विंडो है तो ये विंडो साइड का वॉल है। सो लेट्स गो। हमें जो भी चीज़ें लगेंगी वो ये है, मैंने थ्री डिफरेंट पेपर्स लिए हैं, थ्री डिफरेंट शेप्स के, मतलब ये दिस इज बिग वन, दिस इज स्मॉलर देन दैट एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट वन। सो थ्री डिफरेंट शेप्स के पेपर्स आपको कट करने हैं, बड़ा उससे छोटा उससे छोटा, एक ब्रश, फेविकॉल, सेलो टेप एंड सम वाटर कलर्स। सो लेट्स स्टार्ट। आपको सबसे पहले ये पेपर ऐसे लेना है, इसको नीचे से इस तरीके से फोल्ड करना है और फिर इसको दूसरी तरफ टर्न करके वापस से ऐसे फोल्ड करोगे। एंड देन टर्न अगेन, फोल्ड इट ऑन द अनदर साइड। फिर से टर्न करना है और फिर इस तरफ आपको ऐसे फोल्ड करना है। इस तरीके के आने चाहिए लाइंस जो आप देख रहे हो, बस ऐसे ही आपको करते जाना है कंटिन्यू जब तक ये पेपर पूरा। पिछला जो हमने ये वाला जो बनाया था, सेम ये साइज का ही पेपर वापस लेना है और ये जो हाफ किया है बाकी का हाफ बनाकर इसे सर्कल बनाकर कंप्लीट करना है। सो इसको हम अभी साइड पे रखेंगे, पहले जो किया वो सेम। राउंड शेप कट किया पेपर का जो मैं यहाँ सेंटर पे स्टिक कर दूंगी। अब ये जो एजेस आपको दिख रहे हैं अनइवन है, उसको मैं बॉर्डर से कट करूंगी सो दैट वो इवन हो जाए। ये कट हो चुका है। अब मेरा जो एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है वो है ये, जी हाँ ये एक पिकॉक फेदर है
तो मैं पिकॉक फेदर्स यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी इसे कलर करके, डेकोरेट करके डायरेक्टली स्टिक कर सकते हो। बट या मैं पिकॉक फेदर्स लगाने वाली हूँ, तो वो कैसे लगेगा वो मैं अभी आपको बताती हूँ। अब हम करेंगे कलर। तो कलर जो होगा वो हम इस, ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये गैप में हम कलर करेंगे। तो कलर हमारा पिकॉक के फेदर के पैटर्न के हिसाब से होगा। तो जैसे आप पिकॉक के फेदर के ऐसे देख सकते हो, ये डार्क ब्लू है एंड देन लाइट ब्लू, ब्राउन, लाइट ग्रीन। तो जिस तरीके से ये जो शेड्स आ रहे हैं, मैं उसी तरीके से यहाँ पर कलर करूँगी। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी दिस कलर डार्क ब्लू। और ये मेरा DIY ख़त्म हो चुका है। मैं आपको इसे वॉल पे लगा के भी बताती हूँ। ये जो आप फेदर्स देख रहे हो, ये मैंने पीछे स्टिक किया है सेलो टेप से, ओके ऐसे। तो अब मैं इसको आपको वॉल पर लगा कर बताती हूँ। और ये लग गया मैंने वॉल पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और कवर भी हो चुका है जो मेरा मार्क मुझे कवर करना था।